सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम होंगे राम जन्मभूमि के। खबर अयोध्या से। अयोध्या राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर हर 3 महीने पर होने वाली राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक शहर के ताराजी रिजॉर्ट में संपन्न हो गई। बैठक में एडीजी सुरक्षा वीके सिंह और एडीजी जोन एसएन सावत ने अन्य अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और चौक चौबंद बनाने और बदली हुई परिस्थितियों में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने पहले सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को तय किया और उसके बाद इन मुद्दों को लेकर आपसी विचार विमर्श किया। इस गोपनीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की भी बात की गई। हालांकि यह परिवर्तन क्या होगा यह सुरक्षा कारणों से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अब राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। ऐसे में निर्माण कार्य भी सुरक्षित और सुचारू रूप से चलता रहे और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन में कोई असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखते हुए नई सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन हुआ। एडीजी सुरक्षा वीके सिंह और एडीजी जोन एसएन सावत ने संयुक्त रूप से बताया कि राम जन्मभूमि की सुरक्षा को पहले से कई और बेहतर बनाने योजना पर चर्चा की गई है। श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन हो और राम मंदिर का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। वर्तमान में मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर में विराजमान रामलला और निर्माणाधीन राम मंदिर दोनों की सुरक्षा को लेकर एक संयुक्त व्यवस्था बनाने की योजना तय की गई है। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। थोड़ा विलम्ब हुआ है कोरोना के कारण और समय से बैठक बुलाई गई है। मुद्दों को पहले हम लोगों ने तय किया है जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उसको एक अंतिम स्वरूप देने के लिए आज की बैठक बहुत ही बढ़िया बैठक रही है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को फॉर्मलाइज किया है और वो आपको दिखेगा। जो हमारा परिसर है, परिसर में अभी एक मेकशिफ्ट टेम्पल है और आने वाले समय में पूरा मंदिर का निर्माण होना है। कैसे हम खूबसूरत एक स्कीम तैयार करें जिसके तहत दर्शन भी निर्बाध होता रहे और निर्माण कार्य भी खूबसूरत चलता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कैंपस, इसी एजेंडे पे हमारी पूरी तैयारी हुई। सर कितना पुख्ता रहेगा? बहुत पुख्ता रहेगा। मैंने आपको बताया एक मेकशिफ्ट टेम्पल है और एक मंदिर बनने वाला है, दोनों को हम साथ लेते हुए कैसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें उसी की तरफ। आज तक परिसर में क्या क्या देखा, क्या पाया, क्या हुआ? हम लोगों ने भौतिक निरीक्षण किया, देखा, पूरे ज़मीन को देखा। जब कभी आप निर्णय लेने जाते हैं, जब तक आप ज़मीन नहीं देखते तो आप अच्छा निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्या नवैयत है वहाँ की, कैसे हम चीज़ों को करेंगे उसी की। जो पेड़ थे वहाँ पे वो सारे कट गए हैं, जो खाइयाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, जो चीज़ें हो गई, जो बाहर पे सारी चीज़ें अब दिखने लगी हैं, सभी बातों का समावेश करते हुए कार्रवाई हो। सर न्यू की खुदाई को लेकर के भी आज कुछ इसको लेकर के भी क्या उचित भी आपने? स्थायी समिति का बैठक प्रत्येक 3 माह में होता है। इस स्थायी समिति का बैठक आज यहाँ पर अयोध्या में संपन्न किया गया है और जिसमें सुरक्षा ब्रांच और हमारा स्थानीय पुलिस, उसके साथ प्रशासन, CRPF, PSC, अभिसूचना, सभी विभाग के लोग शामिल होते हैं। ये इसीलिए महत्वपूर्ण था कि हमारा जो मेकशिफ्ट टेम्पल हुआ है, आप जो परिवर्तन हुआ है अभी जो उसका स्टेटस में, उसको देखते हुए महत्वपूर्ण था। उसके लिए नया व्यवस्था किस ढंग से किया जाए उसके बारे में समीक्षा करें। धन्यवाद। ट्रस्ट से आप पूछिए निर्माण के बारे में। हमारा ये स्थायी समिति द्वारा जो उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसके बाद सुरक्षा मुख्यालय द्वारा उसको आगे भेजा जाता है, जो कि भारत सरकार तक भी जाता है, उसे अप्रूवल होता है। आप जानते हैं ये स्थान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा, यद्यपि कोई स्पेसिफिक। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक, एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।